बोटुलिनम रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस संयुक्त राज्य अमेरिका में, उनसे आग्रह करती हूँ कि वे हम लोगों का उद्बोधन करें गांधी शिक्षा दर्शन पर आधारित आधुनिक समाज के निर्माण की व्यवस्था, यह सर का विषय है। इस विषय पर सर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सर से आग्रह है कि वे कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद ममता आपको हमको ये अवसर प्रदान करने के लिए। और मैं डॉक्टर नामिका, डॉक्टर प्रमिला कुमार, डॉक्टर दयाशंकर तिवारी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने इस आपके आज के इस सेमिनार में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया या दे रहे हैं। मुझे ये किसी तरह से प्रेजेंटेशन का वो परमिट दिया जा सकता है क्या मेरे पास? मैं ऐसे आपने मेरा हाँ उसमें वो आ नहीं रहा है, वो प्रेजेंटेशन वाला व्यू जो आ नहीं रहा, जैसे पहले आप पुस्तक वाला सुचित्रा आप देखेंगे आपने कुछ यहाँ पर ऐसा कर रखा है जिससे प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, देखो जरा। एक मिनट हाँ हाँ आराम से करिए तब तक। हाँ सर अब कर पा रहे होंगे आप? हाँ जी आ गया, मैं देखता हूँ इसको। तो चित्रा जी आगे आप सर को पिन कर देंगी तो फिर स्क्रीन दिखेगी, अभी दिख नहीं रही है सर। जब आ जाएगा बताइए। खैर दिखने लगा सर, दिख रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि हमको ये अवसर दे रहे हैं आप। और मैं ये एक दो चीजें कहना चाहता था इसके पहले कि मैं अपने पावर पॉइंट पे जाऊं, कि गांधी जी का जो शिक्षा का दर्शन था वो बड़ा प्रैक्टिकल था। और मैं अपने थोड़ा सा अपने बारे में यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ अपने को किस तरह से आप लोगों के साथ जोड़ूं, क्योंकि दर्शन मेरा वैसे तो विषय नहीं है, हालांकि पीएचडी को दर्शन ही कहा जा सकता है क्योंकि डॉक्टर फिलासफी कहते हैं उसको तो। लेकिन मैं गांधी जी के बारे में ये कहना चाहता, गांधी जी के विचार जो बड़े वैज्ञानिक थे, ये आप बाकी तो सारे लोग कह चुके भी हैं और कहेंगे भी, लेकिन ये शायद ये उनका ये आयाम शायद लोग नहीं देखते हैं या उस दृष्टि से नहीं देखते हैं कि गांधी जी बड़े वैज्ञानिक व्यक्ति थे, क्योंकि वैज्ञानिक व्यक्ति जो है वही बड़ा प्रैक्टिकल होता है। तो गांधी जी शिक्षा को भी उन्होंने बड़े प्रैक्टिकल रूप से देखने का प्रयत्न किया। तो उनकी जो पहली बात, तो शिक्षा सिर्फ इसके लिए हम लोगों ने बांट दिया, वही प्रोफेसर संजय मिश्रा जी बोल रहे थे कि व्यक्ति और समाज को मिला के गांधी जी करते थे, ऐसा कोई एक दूसरे से अलग नहीं मानते थे। तो वो इस तरह से गांधी जी का जो विचार था कि शिक्षक और शिक्षार्थी इस तरह से नहीं, हम सारे शिक्षार्थी हैं, शिक्षक हर कोई शिक्षक, विद्यार्थी भी हमारा शिक्षक है, क्योंकि हम तो ये कहेंगे कि ममता भी हमारी शिक्षक, क्योंकि उन्होंने हमको ये विषय दिया। तो मैंने सोचा कि क्या करूं इसमें, तो मैंने सीखा और इस तरह से मेरी शिक्षक हो गई, क्योंकि उन्होंने कम से कम इसका एक सी बिकेम द कॉज फॉर मी टू लुक एट दिस, एक कारण बन गई वो हमारे लिए। तो हम सारे लोग शिक्षक हैं या कि हम सारे लोग शिक्षार्थी हैं, तब ये भाव आ जाता है तो हम हर हर वस्तु में, हर विषय में, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं। और ये भाव जो है, जैसे कि पहले और भी कहा जा चुका है और लोग कह चुके हैं कि अधिक जो कि गांधी जी के विचार से मिलेंगे जुलेंगे, कि जैसे कि लोग कहते हैं कि एक होता है अधिकार, दूसरा होता है दायित्व। तो लोग अक्सर अधिकार के चक्कर में लगे रहते हैं, कभी आपने कहीं पे कोई जुलूस नहीं देखा हुआ कि हम लोग अपने दायित्व को निभाएंगे, ऐसा कभी नहीं देखा हुआ। तो उसी तरह से अगर हम सारे लोग शिक्षार्थी बन जाएं तो उसमें हमारा भी कल्याण है, चाहे इस समय मैं वक्ता के रूप में हूँ फिर भी मेरा तो कल्याण हो चुका, क्योंकि मैं
इसकी ये विषय रखने पे और मुझे इस तरह से यहाँ पे अवसर देने के कारण मैंने सीखना शुरू कर दिया, तो मैंने मेरा तो काम हो गया। तो इस तरह से अगर हम उस विचार से शिक्षा को सीखने के विचार से देखें तो गांधी जी बड़े प्रैक्टिकल थे। उन्होंने क्या किया था, क्या कहते हैं कि हर चीज को करके ही देखा जाए, ऐसे नहीं किताबी नाले से कोई मतलब नहीं होता है। अभी आज कई वक्ता लोग इस पर बताए, जैसे सत्य अहिंसा प्रेम प्रोफेसर प्रोमिला कुमार जी ने बोला था, और प्रोफेसर संजय मिश्रा जी ने इस पर काफी और भी प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने अहिंसा और सत्य को किस तरह से पातंजलि योग सूत्र से जोड़ के यम से जोड़ के कहा बताया। तो मैं उसका भी थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टि बताता हूँ कि जो थोड़ा सा भिन्न है और लोगों से थोड़ा सा भिन्न है। और क्योंकि गांधी जी को मैं प्रयत्न किया हूँ कि वो वैज्ञानिक थे और मैं थोड़ा सा विज्ञान का थोड़ा सा ज्ञान रखता हूँ और उसका अभ्यास भी करता हूँ, तो आपको हो सकता है कि उचित लगे, क्योंकि गांधी जी कई बार कह चुके हैं कि अहिंसा, जैसे अहिंसा जो शब्द है, अहिंसा को ऐसा लोग मानते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब हम किसी चीज को किसी भी तरह से आहत नहीं करना चाहते हैं, या अगर कर दिए मन वचन कर्म से कभी नहीं कर सकते हैं ऐसा, लेकिन है नहीं। हमारे शरीर में अक्सर करोड़ों जीव जो है आहत हो रहे हैं, एक दूसरे को आहत कर रहे हैं, हम अपने को भी आहत करते हैं। तो ये कहना कि अहिंसा का मतलब ये हो जाएगा, तो ये मुझे लगता है कि ये गलत विचार है, ये उचित विचार नहीं है। और जैसे कि अहिंसा परमो धर्मा की जो बात हुई थी, उसको युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा था, अहिंसा परमो धर्मा, उन्होंने ये बात कही थी। अब इनके गांधी जी के तो पहले की बात है ये, और ये हमारे यहाँ वेद निहित बात है। तो वही भाला लेके सबको मार रहे हैं युद्ध में, तो ये कैसे हो सकता है कि अहिंसा का मतलब, अहिंसा परमो धर्म अगर है तो उसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है कि हम किसी को मार नहीं सकते। उसको व्याख्यायित करने के लिए विज्ञान में एक दूसरी परिधि भी है, जिसको कि आप लोग हो सकता है संस्कृत के ज्ञान में कहीं हो, मुझे इसका आभास नहीं है, अनुभव नहीं है, आप लोग इसके बारे में सोचें कि जो चीज जैसे अहिंसा धर्म को अगर परिभाषित करती है, तो धर्म जो है अहिंसा को भी परिभाषित करता है। तो अगर हम इस भाव से अगर देखें तो अहिंसा वो चीज है जो, जैसे धर्म जो है वो तो सनातन होता है, तो अगर हम ऐसी कोई भी चीज हो जिसको अंग्रेजी में शब्द है, हिंदी में मुझे शब्द उसका मालूम नहीं क्या कह सकते हैं, उसको कहते हैं नॉन वायलेशन, नॉन वायलेंस की जगह पे नॉन वायलेशन, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसी चीजें होती हैं जिसको, जो कि सतत होती हैं, उनको अगर देखें तो उसको अहिंसा कहते हैं। मतलब कोई, तो हम इससे ये कह रहे हैं कि हम महात्मा गांधी ने उस चीज अहिंसा का मतलब माना कि जो भी उनके सिद्धांत थे वो कभी तोड़े नहीं जा सकते हैं, कोई किसी भी परिस्थिति में तोड़े नहीं जा सकते हैं। तो अगर ऐसा मान के करें तो उन्होंने सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए जो प्रयोगात्मक जीवन जिया या प्रयोगात्मक चीजें उन्होंने देखी, उससे अहिंसा को परिभाषित किया जा सकता है। तब हम अहिंसा की बात आज बड़े अच्छे से समझ सकते हैं और वो हमारे भारतीय परंपरा के आधार पर समझ सकते हैं। उसी तरह से सत्य का उन्होंने अपना आधार माना और सत्य को भी वैज्ञानिक तरीके से देखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सत्य को महात्मा गांधी ने सत्यापित किया। जिसे हम कहें कि सत्य तो ये है कि आकाश है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, आकाश सारे लोग मान लेंगे सत्य है। या हम अगर कहें कि हमारे सामने कंप्यूटर है, ये सत्य है, लेकिन उसके बाद में अगर कुछ ना बोलूं, कंप्यूटर का उपयोग ही ना करूं, तो सत्य का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो महात्मा गांधी ने सत्य को सत्यापित किया, और ये दोनों का आधार, जैसे प्रोफेसर मिश्रा जी बोल रहे थे कि महात्मा गांधी जो है ईश्वर में विश्वास करते थे और सत्य को ही ईश्वर मानते थे। और उनके दो जो हमारे यहाँ के महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, उन दोनों का उन्होंने आधार बनाया। और खास करके उनके शुरू के जीवन में रामायण का बड़ा ही, बचपन के जीवन में रामायण का उनके ऊपर बड़ा प्रभाव रहा, और इसलिए वो राम के इस बात को कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसको सत्यापित करना है।
कोई चीज अगर कहते हैं तो उसको करते हैं, यही सत्य है। लेकिन अगर करते ही नहीं, ऐसी चीज कहें जिसमें कुछ करना ही नहीं है, जो कि अक्सर मैं देखता हूँ, भारतीय परंपरा में भी ये बात घर कर गई है कि हम सिर्फ सत्य बोलते हैं और कुछ करते नहीं। जब तक करेंगे नहीं उसको, तब तक उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम सत्य और अहिंसा को देखेंगे तो गांधी को समझने में हमको थोड़ा सा हो सकता है कि सरलता, थोड़ी सरलता हो जाए। नहीं तो अक्सर लोग इसमें बह जाते हैं, इधर की बात करने लगते हैं, उधर की बात। जैसे प्रोफेसर मिश्रा ने कहा कि गांधी को संपूर्ण रूप से देखना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं देखना चाहिए, उस संपूर्ण रूप में उनकी उनकी इस बात को जरूर देखना चाहिए। वो प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, प्रैक्टिकल वैज्ञानिक चीज होती है, और उसको फिर सत्य और अहिंसा की उस परिभाषा को अगर देखना हम चाहें तो हमको शायद अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं शिक्षा की बात थोड़ा सा करना चाहता हूँ। शिक्षा में यह है कि पहली बात तो मैं, शिक्षा है क्या, पहले हमारे शिक्षा में हो क्या रहा है आजकल और कैसे, इसका इतिहास एक बहुत ब्रीफ रूप में बता रहा हूँ संक्षेप में। कि पहले हमारे यहाँ पहले लोग भारत की परंपरा है, ऋषि मुनि के यहाँ जाके वन में लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। कुछ छोटे से क्लासेस होते थे, बहुत कम लोग होते थे, उनको उनके स्वभाव और उनके व्यवसाय और उनके पारिवारिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार उनको शिक्षा दी जाती थी। इन ए वे तो ये कहिए कि उनको जो उनका जो ट्रेट होता था, दिमाग का जो एप्टीट्यूड होता है, जिसको आजकल भी एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ होता है, हर जगह पे होता है, एक एप्टीट्यूड को देख के ही उसकी शिक्षा दी जाती थी। आजकल एप्टीट्यूड के मापदंड दूसरे हो गए हैं, वो दूसरी बात। लेकिन इस शिक्षा में सबसे बड़ा जो जबरदस्त परिवर्तन हुआ वो 1440 में हुआ, जब उसमें बहुत सारी भ्रांतियां हो गई थी, क्योंकि कुछ ही लोगों को शिक्षा हो पा रही थी, कुछ ही लोग कुछ ही परिवार के लोग कुछ कर पाते। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई ऐसा करता था, लेकिन ये सारी चीजें भी आ जाती हैं धीरे धीरे समय के साथ। तो शिक्षा को पूरी तरह से बराबर करने का प्लेइंग फील्ड, इक्वल प्लेइंग फील्ड जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसको जब पुस्तकें आ गई, छपना शुरू हो गई, सभी को शिक्षा के लिए पुस्तकें मिल गई, तो उस समय एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। आज का बहुत जल्दी से मैं बहुत आगे तेजी से बढ़ गया हूँ कि आज का ये मई 25, 2020 की बात है, ये निकला हुआ है कि फ्यूचर ऑफ कॉलेज इज ऑनलाइन, इट इज चीपर। मतलब अब चीजें ऑनलाइन होने वाली हैं, ये खत्म नहीं होने वाला, कोरोना रहे या जाए, ये तो पहले भी चल रहा था और अब आगे और भी चलेगा, जैसे कि हम आज आपके साथ जुड़ पा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये अब ऑनलाइन सारी चीजें हो पा रही हैं और बहुत सुविधाजनक भी हैं, कई तरीके से उसके लाभ हैं, आप सारे लोग उसके से परिचित हैं। अब बात यह है कि इस आज के युग में हम क्या करें, उसको हमको समझना पड़ेगा भारतीय व्यवस्था के अनुसार, जो कि महात्मा गांधी बहुत ही ज्यादा उससे जुड़े हुए थे, हर चीज को समग्र भाव से देखते थे। तो सिचुएशन को देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, सिचुएशन में परिवार है, समाज है, अर्थ है, राजनीति है, व्यक्ति है, सब बहुत हर तरह की चीजें हैं। फिर उसको प्रैक्टिकली उसको पहले देखते हैं, जैसे महात्मा गांधी का व्यक्तित्व था कि वो प्रैक्टिकल चीजों को देखते थे, और फिर बाहर की चीजों को भी देखते हैं, समझते हैं, उनसे कंपेयर करते हैं, जैसे व्यक्ति और समाज को इकट्ठा करते हैं, फिर कोई कॉन्सेप्ट बनता है, दुनिया भर के दृष्टिकोण होते हैं, और फिर कहीं एक मॉडल बनता है। फिजिकल मॉडल हो सकता है, केमिकल मॉडल हो सकता है, जो कि हम लोग करते हैं लैब में करते हैं, या कि बाहर भी कर सकते हैं, या फिर सोशल मॉडल होता है, जो कि आप लोग ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के लोग करते हैं। फिर उससे हम सीखते हैं, और फिर कहानियां, स्टोरीज बनती हैं, ये सारी चीजों की स्टोरी है। हम लोग ऐसे एवरेज और ये स्टेटिस्टिक्स वगैरह जो भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हम कुछ चीज अगर किसी चीज को संप्रेषित कर पाते हैं तो एक स्टोरी का माध्यम बनाते, चाहे वो अलग कोई बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नहीं घूम रहा है किसको मालूम, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कैसे हम घूमते हैं इसलिए समझ में आता है, वो भी एक स्टोरी हो जाती है। फिर उसको हम किसी तरह से अपने जीवन में कार्यान्वित करना चाहते हैं, वो भी महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा, वो जैसे मैंने कहा उन सत्य को सत्यापित करते थे। फिर कहीं पे हमको सीख मिलती है, ये है महात्मा गांधी का एक रूप, या ये पिरामिड जो कहें कि शिक्षा की व्यवस्था को भारतीय परंपरा के हिसाब से इसको कहा जा सकता है, जिसे कई लोगों ने कहा भी कि महात्मा गांधी ने कोई नई चीज नहीं ढूंढी, उन्होंने जो पुरानी चीजें थी उनको सामने, सबके सामने रख दिया। इसलिए जो वर्चुअल है वो माया है, जैसे कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन अब उसी माया के अंदर ही तो हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हमको देखना पड़ेगा शिक्षा जो है, जो वर्चुअल है,
वो इन इफिशियंट है, इनएक्सपेंसिव और या कि फ्री भी मिल सकती है। अगर कोई किसी व्यक्ति के अंदर इतना जिज्ञासा है, इतना कार्यरत होने की भावना है, तो उस फ्री में भी मिल सकता है उसको। मोर सोशल लेस फिजिकल, फास्टर विद टेक्स्ट, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें जो टेक्स्ट वगैरह लोग करते हैं उसमें अब हम शब्द ढूंढते हैं और एक्सप्रेशन जैसे हमारे आप सबके चेहरे जो है हमारे सामने हैं और जो लोग वीडियो ऑन किए हुए हैं उनका एक्सप्रेशन एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। कुछ लोग भोजन वोजन भी कर रहे हैं वो भी दिखाई पड़ता है, कुछ लोग और भी चीजें कर रहे हैं वो भी दिखाई पड़ता है, और शायद उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि यहाँ पे दिखाई पड़ा। इससे मुझे ज्ञान हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। अभी इस कॉलेज में जाके रहते हैं लोग तो 15 घंटे का क्लास चलता है और 168 घंटे वहां पे रहते हैं जो लोग जाके हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो बड़ा इनफिशियंट वे है। और वहां पे प्रैक्टिकल चीज कुछ हो नहीं पाता लैब के अलावा, और बहुत तरह के म्यूचुअल इंटरेक्शन भी होते रहते हैं। अभी वो म्यूचुअल इंटरेक्शन हम ऐसे इस तरह से ऑनलाइन भी अच्छे से कर सकते हैं। म्यूजिक है जो एग्जाम्पल बता रहे हैं उसको अब इलाबोरेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कितने भाव से कर सकते हैं, और हमारी कॉग्निशन जो है वो बढ़ जाती है या बढ़ने का हम कोशिश कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर हैं एकदम नेचुरल, अपने घर पे बैठे हुए हैं और एक घंटे के लिए आपके साथ मिलके एकदम रियलिस्टिक रूप में आप हमको देख सकते हैं, जो कि उल्टा लग रहा होगा आप लोगों को कि नहीं नहीं हम तो जब आमने सामने मिलते तो रियलिस्टिक नहीं, वो तो एकदम आर्टिफिशियल है क्योंकि अपने घर में नहीं है, अपना काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आए पढ़ने के लिए और उस समय मिल रहे हैं, वो एक आर्टिफिशियल है। तो अब ये माया का जो जाल है आप किसी भी तरह से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपना थोड़ा सा प्रमोशन करने के लिए, मेरी पुस्तक है, क्योंकि यहाँ पे पुस्तकों की बात हो रही है तो मैं भी सोचा कि मैं भी अपनी पुस्तक के बारे में थोड़ी सी बात कर लूं। और ममता ये पुस्तक के बारे में शायद जानती नहीं क्योंकि इसका नाम उन्होंने नहीं लिया था, मैंने कहा इसको मैं जोड़ लेता हूँ, लेकिन मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ इसलिए नहीं मैं कर रहा हूँ इसको। इसमें गांधी जी का है ए डिफरेंट टेक एन NRI व्यू ऑफ इंडिया इन द ट्रेडिशन ऑफ रामकृष्ण एंड गांधी। तो आप देखें गांधी जी का पिक्चर है इसमें और रामकृष्ण है, तो गांधी जी का जो विचार है, बहुत सारे विचार हैं जिस तरह से वो सोचने का प्रयत्न किए, वो कभी भारत में तो ऐसा नहीं किए थे, ऐसे उनके शिक्षा दीक्षा तो वहां हुई लेकिन कभी इस तरह के विचार उन्होंने प्रकट नहीं किए थे। वो प्रकट किए तब जब लंदन में जाके बैरिस्टर बने उन्होंने, लेकिन दूसरी दृष्टिकोण देखा, वहां से दूर से देखा और दूर के भी जो वहां का समाज था उसको उस तरह से देखा, तो उस भाव से उन्होंने प्रेजेंट किया। उनके बहुत सारे सहयोगी उस समय के भी जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, और ये हमने योगात्मानंद और विवेकानंद, इनका भी हमने यहाँ पे रख दिया क्योंकि ये लोग भी अमेरिका आए हुए थे, NRI थे। और आपको बड़ा ताजु होगा कि मैं मानता हूँ कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ये भी NRI थे, क्योंकि इन्होंने भी अपना देश त्याग करके ही अपने देश के बारे में सोचा और देश के बारे में दूसरी अपनी मत बनाए और उस देश को बहुत आगे बढ़ाए। तो इस तरह से एक तो मेरा अपना खुद का प्रमोशन भी हो गया कि मैं भी NRI हूँ और जो भी कुछ कहने जा रहा हूँ कुछ उसी दृष्टिकोण से है, और दूसरी तरह से हो सकता है तो आपको मैं कुछ कह भी चुका हूँ, बोल भी चुका, हो सकता है कि आपको उतना अभी फिलहाल सम्मत ना लगे, लेकिन उसके बारे में कम से कम आप सोच सकते हैं। और इसलिए सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी भी NRI थे और भारत के बाहर जाके ही भारत के बारे में उन्होंने ज्यादा समझने का प्रयत्न किया। अब इसलिए हम देखना चाहते हैं उदाहरण के तौर पर, वो तो लंदन में थे, वो अमेरिका नहीं आए थे, लेकिन फिर भी अमेरिका आज सारे संसार का मानक बन चुका है, खास करके डेमोक्रेसी के रूप में। तो अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर थे, हमारे तो फादर ऑफ नेशन थे, यहाँ पे फाउंडिंग फादर थे, और फाउंडिंग फादर का क्या विचार था एजुकेशन के लिए, तो थॉमस जेफरसन बड़े सोच विचार वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा एजुकेटेड सिटीजनरी इज ए वाइटल रिक्विजिट फॉर आवर सर्वाइवल एज फ्री पीपल। अब फिर वो कहते हैं कि दैट एनी पर्सन बोर्न आफ्टर दैट डे शुड एवर एक्वायर द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, देखिए सिटीजनशिप बहुत आवश्यक है यहाँ पे शब्द, अंटिल ही कुड रीड एंड राइट, तो साक्षरता को एजुकेशन कहा गया यहाँ पे, ऑफ ऑल दोज व्हिच हैव बीन थॉट ऑफ फॉर सिक्योरिंग फिडेलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए, ये चीज समझना जहां मैं जो एम्फसाइज करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उनको पढ़ना है, क्योंकि अगर हम कुछ उनको बोलेंगे, कोई कानून बनाएंगे कोई ना बनाएंगे, उसको पता होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उनको बनाई, इसलिए नहीं कि उनको सही में कोई बड़ा ज्ञान होना चाहिए। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, दैट मैन आई थिंक हैज हैड ए लिबरल एजुकेशन
who has been so trained in youth that his body, मतलब उनका शरीर, उसका ready servant, उनका हरदम उनके मन के बस में हो, शरीर मन के बस में हो, and उनकी इच्छा के अनुसार कोई भी काम जो हो, जितना काम वो कर सकता है तुरंत करने के लिए तत्पर हो, इसको कहते हैं शिक्षा। तो दोनों में फर्क है, ईस्ट और वेस्ट में, या कि आज के दुनिया का जो मानक देश बना हुआ है जहां पे मैं बैठा भी हूँ, महात्मा गांधी के जो भारतीय विचार हैं उनमें ये शिक्षा के लिए मूल फर्क दिखाई पड़ता है। अब भारत में जो है वो थोड़ी सी, ये आप सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं इसमें बहुत समय नहीं लगाऊंगा और समय का अभाव सबके पास है और मुझे भी समय जो है वो भी निश्चित रूप से दिया गया है, उससे ज्यादा हम नहीं समय लेना चाहते हैं। तो ये भारत का, क्षमा चाहेंगे कि हम अंग्रेजी में मेरी स्लाइड्स हैं क्योंकि ये अंग्रेजी लिखना थोड़ा आसान हो गया है यहाँ पे, तो कंप्यूटर वगैरह में, जो कि भारत में ये बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, क्योंकि मैं इस विषय पे थोड़ा सा बोल दिया, तो ये कि भारत में गाँव में भी कंप्यूटर अंग्रेजी में ही खुलता है। मैं सारी दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों से मिल चुका हूँ और कई जगह पे उनके साथ कॉन्फ्रेंस वगैरह में गया हूँ, उनको इनवाइट किया हूँ। उन इटली का कोई अगर आएगा, जर्मनी का कोई आएगा, फ्रांस का कोई आएगा, जापान का कोई आएगा, उनका सारा कंप्यूटर उनकी भाषा में खुलता है। अंग्रेजी में उनके स्लाइड्स होंगे लेकिन सारे जो उनके वो होते हैं जिनके माध्यम से हम कमांड्स, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कमांड्स, उनके सारे अपनी भाषा में होते हैं। कम से कम उनको ये पता है। भारत में ऐसा नहीं, हमारे गांव में, हम गांव का रहने वाला हूँ, ममता ने थोड़ा सा कहा मैं अवध क्षेत्र से हूँ, अवध क्षेत्र में भी एकदम गांव से रहने वाला हूँ, मैं पिछली बार विजिट किया तो वहां पे स्टाफ साइन लगा हुआ है और उसमें सिर्फ स्टाफ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो अंग्रेजी इसलिए ज्यादा व्यक्ति को अपने हीन भावना पैदा कर रही है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आता है उसको कुछ नहीं आता, जो कि गांधी जी के विचारों के बहुत विरुद्ध है। खैर, मैं चाहूंगा कि मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी कंप्यूटर मेरा जो है अंग्रेजी में ही लिखता है, मुझे हिंदी में लिखने में उतना आसान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड इक्वालिटी की बातें हुई कि महिलाओं को इक्वालिटी मिलनी चाहिए और तरह तरह की चीजें, बालक बालिकाओं को किस तरह से, एक बालिका को पढ़ाने से पूरा परिवार बनता है, एक बालक को पढ़ाने से एक व्यक्ति बनता है, ये भाव पुराने हैं। आज की बालिका एक परिवार नहीं बनाने जा रही है, हमारा ये तो समझने का की आवश्यकता है। बालिका को ये भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परिवार बनाने जा रही, नहीं तो आज की बालिकाएं अक्सर वो परिवार बनाने के चक्कर में नहीं होती हैं, वो बालक बालिकाएं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके एक दूसरे के हिसाब से चलना चाहती हैं, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के चलना चाहती हैं। वो भाव भारतीय जरूर है कि एक बालिका परिवार बनाती, मेरी माँ ने भी मुझे पाला पोसा है, लेकिन ये विचार बदलते जा रहे हैं इसको। लेकिन याद रखने की बात है कि बालिका पढ़ना लिखना बहुत आवश्यक है क्योंकि वो गुरु होती है, प्रथम गुरु होती है जब माता के रूप में आती है, तो इसलिए उसका स्थान बहुत ऊंचा होता है। लेकिन वो याद रखना चाहिए कि वो स्थान है और उस स्थान की प्राप्ति भी उसके जीवन का उद्देश्य बनना चाहिए, और उस भाव से बिना शिक्षा के तो उसका वो कामकाज हो ही नहीं सकता है। खैर, मैं यहाँ पे बात ये करना चाहता हूँ कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और इक्वालिटी वगैरह सब समझने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। तो पहला है कि जैसे प्रोफेसर मिश्रा ने कहा कि उसमें जो यम की जो बात थी उसको महात्मा गांधी ने अपने एक भाव में बना के उसी को सिद्धांत से आगे बढ़ते थे, लेकिन उसको समझने के लिए, यम नियम समझने के लिए हमको पहले योग का अभ्यास करना पड़ेगा, जो कि बहुत आवश्यक है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। मैं उसमें आपको कुछ यहाँ बोलने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको सब पता है। दूसरा यह है कि दूसरे चैप्टर का पहला सूत्र जो है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योगा। अब यहाँ पे तपः स्वाध्याय तो आप लोग जानते हैं, ईश्वर प्रणिधान में थोड़ा सा मेरा मतभेद है, जो कि लोग अक्सर मानते हैं ईश्वर कोई वहां पे बैठा हुआ है, जो कि पाश्चात्य जगत की भावना है कि भगवान कहीं बैठा हुआ हमारा सृजन करता है। नहीं, हम भगवान का सृजन करते हैं, क्योंकि ईश्वर की जो भावना है, वो जो चीज पातंजलि योग सूत्र में दिया गया है, वो जो कर्म फल और क्लेश से परे हो जाता है वो ईश्वर हो जाता है। तो इस तरह से गांधी जी का जो विचार था कि सत्य को ही ईश्वर मानते थे, सत्य ईश्वर को सत्य को तो पता नहीं, कई लोगों का ये हो जाता हमारे ईश्वर हुए हैं, उनके ईश्वर हुए हैं, तो उसमें सत्य ढूंढना कौन सा सत्य है। लेकिन अगर सत्य को ही ईश्वर माना जाए तो ये हमको लगता है कि इसके सम्मत हो जाएगा सूत्र में है। फिर हम अपने स्वधर्म को जान जाते हैं, जब तक ये चीज हम हमारे
बेचारे योग की बात समझ नहीं आएगी तब तक हमको स्वधर्म नहीं मालूम होगा, और जब स्वधर्म मालूम होगा तभी हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। स्वधर्मे निधरम श्रेयस पर धर्मो भयावह, भगवद गीता में लिखा हुआ है कि वो जब स्वधर्म का ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है, और फिर अगर निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसी को फ्रीडम कहते हैं। तो फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये सब चीजें जब हो जाती हैं, जब व्यक्ति पूरी तरह से अपने में स्वस्थ हो जाता है, जिसको हम आजकल हेल्थ भी कहते हैं, जिसका जिस जो अपने में स्वस्थ नहीं है उसको वो हेल्दी नहीं है, उसका चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई ना कोई उसमें व्याधि है। और जो व्यक्ति स्वस्थ है वो अपने को समझ जाता है, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, काला गोरा, किसी भी तरह के आप उनका लंबा चौड़ा मोटा पतला सुंदर या कुरूप जितना भी कहना चाहते हैं, जब भी जो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है उसको इक्वालिटी अपने आप आ जाती है। ये हमारे यहाँ की मानक है, इसको करने के लिए हमको ध्यान और योग करना पड़ता है। गांधी जी के विचारों पर थोड़ा और प्रकाश डालने के लिए प्रयत्न करता हूँ। उन्होंने शिक्षा को जीविकोपार्जन का भी उद्देश्य माना। गांधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, लेकिन नौकरी नहीं है, आत्मनिर्भर होना सांस्कृतिक उद्देश्य है, उनके पूर्ण विकास का उद्देश्य है। उसके अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो, नैतिक अथवा चारित्रिक विकास भी होना चाहिए। मुक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, जिसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जब व्यक्ति को मुक्त का भाव जब आ जाता है तो वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। उसी तरह से गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जिसमें कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। इन्होंने तो 7 से 14 साल के लिए कहा है, मैं तो कहता हूँ शिक्षा सदैव निःशुल्क होनी चाहिए। शुल्क लगाने से शिक्षक का दिमाग जो है वो एक तरह से भ्रष्ट हो जाता है, हम अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, जो कि मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बोला हुआ है। साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते, ऐसा भी वो बोल चुके। मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए, शरीर हृदय मन और आत्मा का सामंजस्य होना चाहिए, और शिक्षा स्थानीय उत्पादन उद्योगों के का माध्यम होना चाहिए, मतलब लोकल चीजें। महात्मा गांधी ने हर चीज पर ये जोर दिया कि लोकल चीज हो। इसके लिए मैं एक और व्यक्ति को रखना चाहता हूँ, जिनकी तस्वीर मैं अपनी किताब में भूल से नहीं कर दे पाया। वो भी एक NRI थे शुरू में, और वो श्री अरबिंदो जी के हैं, जो कि वो थोड़ा आध्यात्मिक रूप में ज्यादा गए, लेकिन महात्मा गांधी और उनके सिद्धांत मिलते जुलते हैं। लोग एक समय में भी थे संसार में। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य विकासशील आत्मा के लिए सर्वांगीण विकास की बात है। वास्तविक शिक्षण का प्रथम सिद्धांत है कुछ भी पढ़ना संभव नहीं, अर्थात बाहर से शिक्षार्थी के मस्तिष्क पर कोई चीज नहीं थोपी जाए। शिक्षण प्रक्रिया द्वारा शिक्षार्थी के मस्तिष्क की क्रिया को ठीक दिशा देनी चाहिए, मतलब कुछ करके अपने अंदर से ले आनी चाहिए। और शिक्षक प्रशिक्षक नहीं है, वह तो सहायक है। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि हम सारे लोग शिक्षार्थी हैं, तो ये बात हमारे यहाँ के मनीषियों ने ये कह चुका है, या श्री अरबिंदो को आधुनिक मनीषी कहा जाता है। तो इस तरह की बातें हैं। हम जब तक हम चीजों को अपने सेल्फ रियलाइज नहीं करेंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा एक पेपर ये छपा हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें हमने एक हमारे प्रोफेसर मौरीन हाल है उनके साथ एक मॉडल हमने ये निकाला हुआ है कि टीचिंग अप्रोचेस क्या क्या हो सकती है, आइडियल कॉन्सेप्ट्स, कॉन्टेम्पलेटिव प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन, सारी चीजों को सीढ़ियां हैं जो अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइजेशन के बाद बहुत सारी तरह से समझ सकते हैं। और फिर एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, हमारी साइंटिफिक अप्रोच से हम एक नई अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं जो कि हर समय में बदलती रहती है। अगर ये भाव रहेंगे तो हम उसको ढूंढ पाएंगे। गांधी जी के का जो विचार था वो था कि सीखना है तो कुछ करके। शिल्प को उन्होंने बहुत, शिल्प में बहुत सारी चीजें आती है, हर तरह का सृजन। इसका मतलब होता है सारी चीज जो भी हम सृजन करें, कंप्यूटर का भी सृजन इसमें आता है, ड्राइंग का भी सृजन आता है, साहित्य भी सृजन भी आता है, कविता का भी आता है, हर चीज उनका आता है। उनका ये कहने का मतलब था इसको करके ही देखा जाए। शिक्षा बालकों के जीवन, घर, ग्राम तथा ग्रामीण उद्योग में हस्तशिल्पों और व्यवसाय से निश्चित रूप से संबंधित हो। ऐसा मैंने जो प्रयत्न किया पहले कहने का कि आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं वर्चुअल एजुकेशन में, उसमें हम अपने घर पे बैठे हुए हैं, ग्राम में बैठ सकते हैं, हम जहाँ पे हैं वहीं पे बैठ के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और इस आज का मुझे लगता है जो वैसे लोग कहेंगे कि तो ये तो बड़ा टेक्नोलॉजी वाला की बात आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने मानक सिद्धांतों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और गांधी जी ने कहा बालकों और बालिकाओं का समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, एकदम सही है। और वो अपने जो स्वयं को जो समझ जाएंगे, अपने उनका
मानसिक और आध्यात्मिक जब विकास होगा तो स्वयं अपने को जानेंगे हमको क्या करना है। और ये बात लेकिन आजकल होती है, आजकल तो ये कह दिया गया है कि आप ये टेस्ट लीजिए, वो टेस्ट लीजिए, ये बन जाइए, वो बन जाइए, इनकी नौकरी कीजिए, उनकी नौकरी कीजिए, इससे वो उनका विकास नहीं हो पाता, इसलिए बहुत सारी सामाजिक बुराइयां आ गई हैं। गांधी जी ने इस सब बारे में बहुत सारी चीजें लिखी, उनके जो मानक विचार थे उसको उन्होंने हिंद स्वराज में बहुत पहले लिखा, 1909 में लिखा हुआ था। वो बहुत सारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मानते थे डिजीज है, और इंग्लिश लैंग्वेज बोलते स्लेवरी है। डॉक्टर जो है वो ड्रिवन बाय ग्रीड, आजकल हम डॉक्टर की बड़ी प्रशंसा करते हैं, और लॉयर जो खुद भी थे वो बोलते थे इज अ प्रमोटर ऑफ स्ट्राइफ, मतलब समाज में अगर झगड़ा करवाना है तो लॉयर के पास चले जाइए। इसी तरह से इंजीनियर की बात करते हैं और लग्जरी की बात करते हैं, बहुत सारा है। वो जो कि आप उन्होंने कहा था कि राम राज्य जो है कि जो परिकल्पना उन्होंने की थी जिसमें ये सारी चीजें संभव हैं, ये उसका मतलब नहीं कि कोई राम पैदा होंगे तो ऐसा होगा, ये मानक है सत्य को के हिसाब से जो कहना वो करना, ये मानक है, कभी भी किया जा सकता है। मेरा समय समाप्त हो चुका है तो मैं यहीं पे इसको एक आध स्लाइड और दिखा के समाप्त करता हूँ कि जो विलेज और सिटी की अगर ये चीजें देखें तो हम कुछ मानक यहाँ पे रखे हुए हैं, ब्राइब, घूसखोरी, ब्लैक, काला बाजार, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, और जो अनसस्टेनेबिलिटी जिसको नहीं शहरों में नहीं हो पा रहा है, या डाउरी डेथ अब तो कम हो गई लेकिन पहले होती थी, गांव में नहीं होती थी। फीमेल फिटिसाइड को जो सारे संसार में हल्ला मचा हुआ था वो उसका भी ये देख सकते हैं, तो गांव में ये रेशियो परफेक्ट होता है, जेंडर रेशियो। और अगर यहाँ जो शीत लहरी भी चलती हो, गांव में कोई नहीं मरता, सब लोग शहर में मरते हैं। तो इस तरह से गांधी जी के विचार थे शिक्षा के लिए, समाज के लिए, और इस विचार के आधार पे उन्होंने, अगर हम इसको देखना चाहें तो उन्होंने जो व्याख्या की है कि शिक्षा का उद्देश्य शिल्प के साथ होना चाहिए, कोई हमारे पास गुण होना चाहिए, वो चीज हमारे यहाँ प्रजा में दिखाई पड़ती है, और प्रजा की जो व्यवस्था है उसके आधार पर अगर हम समाज चलाएंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे पास समय नहीं इसको ज्यादा व्याख्यायित करें, इस बात को हम एक दो जगह और बोल चुके हैं, इसलिए भी अगर समय नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, उसमें शूद्र का ही सिर्फ काम नहीं है कि सेवा करे, बल्कि सारे वर्णों का काम है सेवा करना। जैसे मैंने कहा कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, आज के पैसे के लेके काम करता हूँ, तो मैं एक अच्छा शूद्र हूँ, और अच्छा शूद्र होना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन बाकी जो अच्छे बनना चाहते हैं वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण, उनको भी सेवा भाव होना चाहिए, और शूद्र से भी ज्यादा सेवा भाव होना चाहिए, कि उनको तो कोई पारितोषक भी नहीं मिलेगा तब भी करना चाहिए। ऐसा करने से, ऐसी सेवा करने से वो समाज आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ शूद्र की जो परिकल्पना है, जो मैं अपने को मानता हूँ, उसके अगर हमारे अंदर कोई कला है, शिल्प कला है, तो हम शूद्र हैं, और उसको हमको ब्रह्मा का रूप प्राप्त हो सकता है, प्रजापति का रूप प्राप्त हो सकता है, विश्वकर्मा का रूप प्राप्त हो सकता है, तो इसमें कोई हमारी कमी नहीं है। लेकिन अगर हमको और काम करना है कि हम चाहते हैं हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तो हमको उनके दूसरे भाव जो होते, सेवा भाव, पूरी तरह से सेवा भाव करने का अगर प्रयत्न करें, ये हमारे यहाँ की जो पूरी मानसिक चिंतन है देश की, वो आगे सामने आती है। और उसमें आप देखेंगे कि प्रजातंत्र का जो मेरा अपना विचार है, प्रजातंत्र जो राम राज्य वाला प्रजा है, जिसमें गांधी की शिक्षा के अनुसार जो समाज बनेगा उसकी जो भावना है, उसको वो बढ़ाता है चीजों को, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबकी चिंता नहीं करता है कोई, वो उसके ऊपर बढ़ता 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 ऊपर चला जाता है, और प्रजातंत्र में जो अपना आचरण करता है उसके आधार पे उसको जाना जाता है। डेमोक्रेसी में क्या है कि वो उल्टी दिशा में जाता है, कंडक्ट कुछ नहीं करना है, सबको बांट के देखना है। तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की जो डेमोक्रेसी है और भारत की जो कॉन्सेप्ट है प्रजातंत्र की, इस भाव से इसको देखा जा सकता है। और इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं इसको, एक लास्ट वाली स्लाइड दिखाने के लिए, ये सॉरी, इसमें ये अगर भाव देखेंगे, एजुकेशन रॉकेट का एक कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है, जिसमें सेक्रीफाइस और सेल्फलेसनेस, और ये कहिए कि परहित की बात, सिर्फ निस्वार्थ की बात नहीं, परमार्थ की बात होनी चाहिए, ये हमको ईंधन के रूप में डालना पड़ता है। बाकी जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, सोशल ब्रेकडाउन है, एनवायरमेंटल की जात पात, सारी समस्याएं, इनको हम आयुर्वेद, योग और भारतीय सनातन धर्म के व्यवस्था के आधार पे ऐसा आगे बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारा ज्ञान बढ़ेगा, संतोष हमको मिलेगा, हमारे सहिष्णुता बढ़ेगी। इस तरह का विचार जो है महात्मा गांधी का था, जो मैं मानता हूँ महात्मा गांधी के जो शिक्षा के विचार थे, समाज को ट्रांसफॉर्म करने के जो विचार थे, शिक्षा के जरिए थे, और इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा चाहेंगे कि एक दो मिनट मैंने ज्यादा ले लिया।
धन्यवाद सर, आपने बताया कि किस प्रकार से गांधी जी का जो दर्शन है, गांधी जी की शिक्षा है, वो किस तरह से भारतीय पृष्ठभूमि में रह करके ही ग्रामीण जो परिवेश है उसके अंतर्गत ही आत्मनिर्भरता की बात करती है, और किस तरह से जो जो परिवेश है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है। इसके साथ ही साथ आपने थोड़ा सा प्रकाश डाला भाषाई पक्ष पर कि हम किस तरह से अपने भाषाओं में कार्य नहीं करते हैं जबकि विश्व के अनेक देश करते हैं। गांधी जी अपनी मातृभाषा के प्रति, भारतीय भाषाओं के प्रति विशेष आग्रही थे। इसके साथ ही आपकी जो पुस्तक आई है गांधी जी पर, उससे मैं परिचित नहीं थी और मैंने आपसे बात नहीं किया था कि कुछ नवीन जानकारी आपसे प्राप्त होती इस संदर्भ में, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसका उल्लेख नहीं कर सकी। यद्यपि इस कार्यक्रम की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी, और आपका दृष्टिकोण सदैव, आप एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से, एक वैज्ञानिक आधार भूमि से हर विषय को देखते हैं। आपने गांधी चिंतन को भी उसी वैज्ञानिकता से देखा और उसका एक सूक्ष्म विवेचन हम लोगों के मध्य प्रस्तुत किया। इसके लिए सर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद, और आप भविष्य में भी हमारे विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपने शोध परक विचारों से हमें अवगत कराते रहेंगे, जिससे हमें भी उसके प्रति जिज्ञासा वृत्ति होगी, जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, और साथ हम भी विभिन्न आपकी दृष्टि से परिचय प्राप्त करते हैं, हम भी उस तरह की शोध दृष्टि हमें भी विकसित होगी, हम भी कुछ करने में सक्षम होंगे, क्योंकि जब तक संवाद की भारतीय संस्कृति में विशेष भूमिका है, जब तक हम संवाद नहीं करते, परस्पर वार्तालाप नहीं करते, एक दूसरे के विचारों से, भावभूमि और मनोभूमि से परिचित नहीं होते, तब तक एक नए प्रकार का जो नवीन द्वार है ज्ञान के क्षेत्र में या किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में, वो नहीं उद्घाटित होता। और आपके विचार बहुत ही आधुनिक, बहुत ही प्रगतिगामी होते हुए भी भारतीय सांस्कृतिक चेतना को साथ लेकर चलते हैं, भारतीय दार्शनिक परंपरा, ज्ञान परंपरा को अनुस्यूत करते हुए चलते हैं, और आपके हर उद्बोधन में, हर संबोधन में, हर बात में और व्यवहार में, आपके जीवन में, जीवन दर्शन में वो परिलक्षित होता है, वो हमारे लिए प्रेरणादायी है। इसलिए आपका वचन, आपके संपूर्ण वक्तव्य का प्रत्येक शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, आपका सानिध्य हमें मिलता रहेगा, ऐसे हमें आशा है, और आप हमें लंबे समय तक अपना सानिध्य देते रहें और हमारे